Welcome to Skin Care with Priya. So today I'm here with another video. As my video title would be suggesting you, this is a very quick DIY जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, which I have been personally using from quite a long time now. So if you are new to my channel, I would request you to please subscribe my channel, press the bell icon so that you can receive all the notifications in the future. So let's get started with today's video. Today's video is a easy homemade लिप स्क्रब. अब बहुत बार होता है कि लोग मार्केट से परचेज करते हैं, बट वेन यू कैन गेट इट एट योर होम जस्ट बाय क्विक स्टेप्स, मतलब विद इन 2 or 3 minutes आपका लिप स्क्रब रेडी हो जाएगा, देन व्हाई यू नीड टू पे दोस हंड्रेड्स ऑफ योर बक्स जस्ट फॉर बाइंग अ लिप स्क्रब, और वो भी आपको बहुत लिटिल क्वांटिटीज में ही मिलता है. सो हेयर इट इज, मैं आप लोगों के साथ जो DIY शेयर करना चाहती हूँ. नाउ एज वी नो विंटर्स अप्रोच करती हैं, तो विंटर्स की सबसे बड़ी जो एक दिक्कत होती है दैट इज ड्राइनेस ऑन योर स्किन. ऑल दो हम अपनी बॉडी की जो ड्राइनेस है उसको कैटर कर लेते हैं बाई यूजिंग मल्टीपल लोशंस, मॉइस्चराइजर्स, बॉडी बटर्स, बट डू वी एवर केयर अबाउट आर लिप्स, कि हमारे लिप्स को भी एक वो मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, एक वो केयर की जरूरत है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल इग्नोर इट. मैंने भी बहुत बार इग्नोर किया है पहले, कि आई यूज टू थिंक ठीक है एक लिप बाम लगा लो एंड दैट इज इट, बट नहीं, जस्ट द वे आर हम अपनी पूरे फेस का, बॉडी का, हेयर का इतना ध्यान रखते हैं, सो वाई नॉट लिप्स. लिप्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो उसी का आज मैं DIY आपके साथ शेयर करूंगी. नाउ जो DIY है दैट इज अ लिप स्क्रब विच इज यूज फॉर एक्सफोलिएशन. द फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक्सफोलिएशन की जरूरत है, एंड द आंसर इज येस, यू नीड टू एक्सफोलिएट योर लिप्स एवरी वंस इन अ वीक. ऑल्दो आपको इसको ओवरडू नहीं करना है, जस्ट वंस इज मोर देन सफिशिएंट. इससे क्या होता है, जो आपकी ड्राई लेयर, ड्राई स्किन आ जाती है ऑन योर लिप्स, वो रिमूव हो जाती है. ऑब्वियसली वो रिमूव होगी तो आपकी स्किन, जो आपकी लिप्स है, उसको एक मॉइस्ट लुक मिल जाती है, दे फील सॉफ्ट एंड सटल. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जब आपकी ये सब जो ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, रिमूव होती है, तो जो भी आप लिपस्टिक यूज करते हो, लिप टिंट यूज करते हो, दैट स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, एंड वो लगी हुई भी अच्छी लगती है, दैट डजंट गिव दैट ड्राई एंड चैपी लुक ऑन योर लिप्स. कई बार अगर आप लिपस्टिक लगाते हो, आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं, तो एक वो केकी सी लुक आने लग पड़ती है ऑन योर लिप्स. सो वो प्रिवेंट करता है लिप स्क्रब, बिकॉज आपकी डेड स्किन सारी रिमूव हो जाती है. नाउ द सेकेंड थिंग इज हाउ टू एक्सफोलिएट योर लिप्स. द नंबर वन वे जो मैं आज आपके साथ अपना DIY स्क्रब शेयर करूंगी, उसका नंबर वन वे है, यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स. बस फिंगर्स पे लिया थोड़ा सा, एंड ऑन सर्कुलर मोशंस आपने लिप्स पे अपने उसको यूज करना है फॉर लाइक 4 to 5 minutes. सेकेंड वे इज, अगर आप फिंगर्स नहीं यूज करना चाहती, यू वॉन्ट मोर बेटर रिजल्ट, तो जो एक टूथब्रश आते हैं विद अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स, उसकी हेल्प से आप एक्सफोलिएट कर सकते हो. एंड नंबर थर्ड, जब आपने एक्सफोलिएट कर लिया है, मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर लिप्स आफ्टर दैट. कोई भी आप लिप बाम या लिप केयर प्रोडक्ट लगा के आप अपने लिप्स को एक मॉइस्चर कवर दीजिए उसके बाद. नाउ द टिप्स फॉर एक्सफोलिएशन, द नंबर वन टिप इज दैट यू नेवर ओवरडू द एक्सफोलिएशन, मतलब वंस इन अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट. अब कई बार लोगों को लगता है कि एकदम यूज किया आपको, आपके लिप्स इतने सॉफ्ट एंड स्मूथ लगेंगे, तो यू ट्राई टू यूज इट लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे या सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द वीक, बट दैट इज नॉट सो. आपको हमेशा रिजल्ट एक जैसा ही मिलेगा, चाहे आप वीक में एक बार यूज करो, चाहे दो बार, बट कभी भी ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है. इट इज जस्ट इन जस्ट सिमिलर टू हाउ वी एक्सफोलिएट आवर फेस, जैसे हम अपना फेस जस्ट वंस इन अ वीक एक्सफोलिएट करते हैं, सेम इज विद द केस ऑफ लिप स्क्रब. सेकेंड, जब भी आपने एक्सफोलिएट कर लिया है अपने लिप्स को, उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज देम, अप्लाई अ लिप बाम. अगर आपने एक्सफोलिएट किया है ड्यूरिंग डे टाइम, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग अ SPF बेस्ड लिप बाम, एंड अगर आपने नाइट टाइम में यूज किया है, देन यू कैन यूज एनी मॉइस्चर पैक फॉर योर लिप्स, जैसे आप वैसलीन यूज कर सकते हो, एनी अदर लिप बाम जो आप प्रेफर करते हो. जब आपने एक्सफोलिएट करना है, तो उससे पहले मेक श्योर यू हैव रिमूव्ड ऑल योर मेकअप फ्रॉम योर लिप्स. अब मेकअप इन द वे, बहुत लोग मतलब सरप्राइज हो रहे कौन सा है जो अपने लिप्स पे मेकअप यूज करता है. मेनी पीपल डू इट, व्हाट दे डू इज वो एक फाउंडेशन की लेयर लगा लेते हैं ऑल ओवर देयर लिप्स, एंड देन उसको ओवरडू करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक लिप लाइनर्स, एंड देन उसमें लिपस्टिक फिल करते हैं जस्ट टू मेक द लिप्स लुक मोर प्लम्प एंड बिगर. तो वो आपने फाउंडेशन सारी रिमूव करने ली है, इवन इफ कंसीलर है उसको रिमूव करो, एंड अगर आपने लिपस्टिक लगाई है, लिप टिंट लगाए हैं, उसको भी रिमूव करने के बाद ही आपने अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है. नंबर फोर,
यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल वाइल एक्सफोलिएटिंग योर लिप्स. ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट लिया और उसको बहुत हार्शली यू आर स्क्रबिंग इट ऑल ओवर योर लिप्स. बी वेरी जेंटल, बहुत हल्के से प्रेशर से ही आपने एक्सफोलिएट करना है. तो ये तो सारी बात होगी अबाउट द एक्सफोलिएशन, लाइक हाउ यू हैव टू डू इट, हु नीड्स टू डू इट. नाउ आई विल डिस्कस अ वेरी इजी DIY विद यू, जो मैं पर्सनली बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और मुझे उसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन. ये जो आपके लिप्स पे ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. देन इट हेल्प्स इन रिमूविंग द डेड स्किन. देन इट गिव्स योर स्किन अ वेरी मॉइस्ट एंड दैट सॉफ्ट एंड सटल लुक. तो उसके बाद जब आप लिपस्टिक लगाते हो तो आपकी लिपस्टिक बहुत स्मूथली ग्लाइड आउट करती है ऑन योर लिप्स. तो ये सब उसके बेनिफिट्स हैं. जो मेरा लिप स्क्रब है विच आई एम गोइंग टू शेयर, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 3 इंग्रीडियंट्स. द नंबर 1 इज यू नीड ग्रेनुलेटेड शुगर और पाउडर्ड शुगर फॉर इट. चाहे वाइट शुगर यूज करो, चाहे ब्राउन शुगर, एनी शुगर दैट इज अवेलेबल, बट इट शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म. द नंबर 2 इंग्रीडियंट इज कोकोनट ऑयल. इट शुड बी 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल. एंड नंबर 3 यू हैव टू यूज रॉ ऑर्गेनिक हनी. तो ये 3 इंग्रीडियंट्स हैं जिसकी हेल्प से आज मैं अपना लिप स्क्रब आपके सामने बनाऊंगी एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. सो लेट मी शो यू हाउ यू हैव टू डू इट. हियर आर माय इंग्रीडियंट्स. दिस इज द ग्रेनुलेटेड शुगर, पाउडर्ड शुगर जो मैं यूज कर रही हूँ. दिस इज रॉ हनी. यू कैन सी, ज्यादा करूंगी तो बाहर ही आ जाएगा. दिस इज द रॉ हनी दैट आई एम यूजिंग. And here is my coconut oil. तो ये 3 ingredients की help से आज मैं अपना lip scrub बनाऊंगी और आपके सामने use करूंगी. So just keep on watching the video till the end. Here is my clean bowl जिसमें मैं अपना ये सब ingredients एक एक करके डालूंगी. So I'll show you. ज्यादा नहीं लेना है, मतलब mostly what I do is मैं जब on the spot lip scrub बनाती हूँ तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना एक time में लग जाए. अगर extra बन भी जाता है then I make my mother use it. वो यूज कर लेते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ज्यादा बना लिया है, बाई चांस आपका उतना नहीं सेट बैठा इंग्रीडियंट्स का अंदाजा, तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने क्लीन स्टरलाइज छोटी से कंटेनर में इस एक्स्ट्रा लिप बाम को निकाल के यू कैन स्टोर इट इन योर रेफ्रिजरेटर. या आजकल वैसी कूलिंग कंडीशन बाहर इतनी ज्यादा है तो आप अपने नॉर्मल किसी भी अलमीरा में इसको सेव करके रख लो एंड एवरी वीक यू कैन जस्ट टेक आउट अ लिटल अमाउंट एंड उसको लिप पे स्क्रब कर लेना है. सो आई विल शो यू कैसे करना है. इतना सा कोकोनट ऑयल आई एम यूजिंग. ठीक है, देयर इट गोस इनटू द बाउल. इतना सा कोकोनट ऑयल. अब पाउडर्ड शुगर, ज्यादा नहीं, जस्ट दिस मच. आप देख रहे हो इंग्रीडियंट्स, इतना इतना सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं. तो हेयर इट गोज इनटू द बाउल, ग्रेनुलेटेड शुगर एंड देन कम्स द हनी. इन सब के जो बेनिफिट हैं कि ये क्यों क्यों यूज होते हैं. अब ये जो सब इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ग्रेनुलेटेड शुगर है दैट हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग योर लिप्स, ये आपके लिप्स को बहुत जेंटली स्क्रब करता है, जो डेड स्किन है उसको रिमूव करता है. जो तो कोकोनट ऑयल है दैट गिव्स अ मॉइस्चराइज लेयर टू योर स्किन, उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. एंड जो हनी है दैट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो आपके कट्स हैं या ब्लीडिंग हो जाती है तो ये उसको हील करता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ हीलर. तो यू कैन सी ऑल बेनिफिट्स आपको जो मिल रहे हैं. सो माई लिप स्क्रब इज ऑलमोस्ट रेडी. मतलब मेरा उतना ही बनाया है जितना मुझे लग रहा है कि मेरा यूज में आएगा. सो आई शो यू आपने इसको यूज कैसे करना है. आई टेक इट इन द स्पून और मैं आपको दिखा देती हूँ. ऑल दो ये ऐसे का थिक सा ही बना है, ऐसे का बनेगा. ठीक है, सो इट इज रेडी. अब मैं आपको ये बता देती हूँ यूज कैसे करना है. राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ लिपस्टिक, तो सबसे पहले मैं उसको भी रिमूव कर लेती हूँ विद हेल्प ऑफ बेबी वाइप. द लिपस्टिक इज गॉन. तो अब मेरा ये जो लिप स्क्रब है मैंने इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है. मैं टूथब्रश नहीं यूज करती हूँ, आई ऑलवेज स्क्रब माई लिप्स विद हेल्प ऑफ माई फिंगर. तो हियर इट इज, इतना सा थोड़ा सा लेके पहले हल्का सा. तो अब आपने इसको ऐसे सर्कुलर राउंडिंग पोजीशंस में, सर्कुलर मोशन में पूरे लिप पे स्क्रब करना है फॉर अनदर 3 to 4 minutes. तो मैं उसी को अब स्क्रब करूंगी.
ये मेरे 4 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं इसको स्क्रब करते हुए. तो आफ्टर जब आपने पूरा इसको स्क्रब कर लिया है, यू नीड टू वॉश इट विद इधर ल्यूक वार्म वाटर या जर्नल जो टैप रनिंग वाटर है उससे आपने इसको वॉश कर देना है. एंड वॉश करने के बाद आपने अपने लिप्स पे कोई भी लिप बाम लगा लेना है. सो आई जस्ट अभी मैं वॉश नहीं आपके सामने एक और बेबी वाइप यूज करके आई जस्ट टेक ऑफ द लिप स्क्रब ये सारा एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइज. I'm done with the scrubbing part and trust me, जैसे ही first time आप ये lip scrub use करोगे, you will 101% I give you guarantee आप एकदम उसका effect feel करोगे on your lips will feel so soft, so subtle, मतलब एकदम smooth feel होते हैं. So अब moisturization का part है तो मैं कुछ और नहीं, यही जो coconut oil है इसका थोड़ा सा amount लेके यही अपने lips पे as a lip balm apply कर लूंगी. Nothing better like a lip balm than a coconut oil. 100% मुझे coconut oil. इसका तो कोई match ही नहीं है. So there. I'm done with the moisturization part and the scrub part. How this is how easy it is. आपने घर में बैठे-बैठे अपना lip scrub बनाया, उसको use किया within 5 minutes and there you go. Your soft, subtle lips, your smiling lips are there with you. And that is it for the video also, guys. This was my quick hack for lip scrub at home. And if you like my video, I would request you to please subscribe my channel, press the bell icon so that you can see all the notifications in the future. Have a lovely day. Bye. Take care.